जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारत में प्रथम पुरुष पार्ट वन को कवर कर चुके थे, आज हम लोग भारत के प्रथम पुरुष पार्ट टू कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से एक बार सेशन को शेयर करते हैं अपने साथियों में और वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में प्रथम महिला पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, भारत में प्रथम पुरुष पार्ट टू को कवर करेंगे। यदि आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, भारतपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके हमारे सभी वीडियो क्या करेंगे, आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक की तरफ आज के सेशन का, कि प्रश्न नंबर एक क्या दिया गया है। आप लोग सभी के साथ क्या करेंगे, आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे, सभी प्रश्न क्या करेंगे, आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न नंबर एक दिया गया है, प्रश्न बहुत ही शानदार दिया गया है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, फाहान, और फिर उसके बाद आपका दिया गया संयुग्मन, फिर आपका दिया गया हिंदसांग, फिर आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री आपका हो जाता फाहान, क्या हो जाता है, फाहान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने भी साथी प्रश्न नंबर एक को लॉक किए होंगे, क्या हो जाता है प्रश्न का, बिल्कुल शानदार प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक दो की तरफ, कि प्रश्न नंबर दो आप सभी के सामने क्या दिया जाता है, एक बार सभी साथी क्या कर देंगे, सेशन को अपने साथियों में शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर दो आप सभी के सामने आ चुका है, बताने का प्रयास करते रहेंगे कि प्रश्न नंबर दो का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न नंबर दो आप सभी के सामने दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सभी साथी बताएंगे। प्रश्न कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पहला आपका ऑप्शन दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर इनमें कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ, कि प्रश्न नंबर तीन आप सभी के सामने क्या दिया जाता है, सभी साथी क्या करेंगे, आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर तीन आप सभी के सामने आ चुका है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट के शो में आसानी से 10 प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, लगातार सभी प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे, एक बार सेशन को अपने साथियों में शेयर भी कर देंगे। रजनीश दुंगल या फिर संजय करोल या फिर गणेश मावलंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके हो जाते हैं गणेश मावलंकर, कौन जाते हैं गणेश मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ, सभी साथी प्रश्न नंबर चार का आंसर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर चार आप सभी के सामने आ चुका है, कई बार प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, बताने का प्रयास करेंगे कि भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन हो जाते हैं, रजनीश दुंगल, संजय करोल, गणेश मावलंकर या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान क्या हो जाते हैं, भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पांच की तरफ, सभी साथी प्रश्न नंबर पांच का आंसर करने का प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, बार सेशन में साथियों शेयर भी कर देंगे। प्रश्न नंबर पांच आप सभी के सामने आ चुका है कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, बताने का प्रयास करेंगे कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। प्रश्न कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस इत्यादि परीक्षाओं में प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, बताने का प्रयास करेंगे कि सीवन या फिर जगदीश बसु या फिर सीवी रमन या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीवी रमन, कौन रहते हैं सीवी रमन हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छह की तरफ, प्रश्न नंबर छह का आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। प्रश्न नंबर छह आप सभी के सामने आ चुका है कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, के सीवन, जगदीश बसु या फिर सीवी रमन या फिर सुब्रत मुखर्जी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सुब्रत मुखर्जी, कौन हो जाता है सुब्रत मुखर्जी, क्या हो जाता है प्रश्न का, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर सात आप सभी के सामने आ चुका है, सभी साथी क्या कर देंगे, एक बार सेशन अपने साथी हम शेयर कर देंगे। सभी साथी क्या करेंगे, एक बार सेशन अपने साथी हम शेयर कर देंगे और वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छह की तरफ, वो सात की तरफ, प्रश्न नंबर सात आप सभी के सामने आ ही चुका है कि प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे, संजय पाल, जगदीश बसु या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर के एम करियप्पा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है के एम करियप्पा, कौन हो जाते हैं के एम करियप्पा हो जाते हैं प्रथम भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की तरफ, सभी साथी क्या करेंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे। प्रश्न नंबर आठ
आप सभी के सामने आ चुका है। दिया गया प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे बताने का प्रयास करेंगे कि प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे, संजय पाल, जगदीश बसु, रामदास कटारी या फिर किम करियप्पा। बिल्कुल शानदार आंसर हो जाता है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हैं उनका क्या हो जाता है प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यानी कि रामदास कटारी हो जाते हैं प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, सभी साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। दिया गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। एक बार सभी साथी क्या कर देंगे सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो क्या कर देंगे लाइक कर देंगे। प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम लोग आ चुके हैं कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, संजय पाल, जगदीश बसु, मानेक शाह या फिर किम करियप्पा। आपका बिल्कुल शानदार बिल्कुल सही आंसर हो जाता है मानेक शाह का हो जाता है। मानेक शाह क्या हो जाता है प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, सही साथी बताने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने आ चुका है। दिया गया कि भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर भारतीय हो यदि प्रश्न पूछता भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ आपको करना पड़ेगा भारतीय क्या हो जाता है भारतीय, यहाँ आपको हो जाता है भारतीय, मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ आपका कहने का मतलब यह हुआ मेरे साथी कि भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बताने का प्रयास करेंगे। यदि भारतीय की बात करेगा तो क्या हो जाता है, संजय पाल, जगदीश बसु, मानिक से या फिर सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या हो जाते हैं भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। तो साथियों 10 मिनट के शो में हम लोग क्या किए हैं 10 प्रश्नों को आसानी से हल कर चुके हैं। आपका भारत में प्रथम पुरुष पार्ट 2 था, यदि पार्ट 1 को आप लोग नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे भारतपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके सभी प्रश्नों क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। हम लोग भारत में प्रथम महिला पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के लिंक पर जाकर आप लोग क्या करेंगे अच्छी तरीके सभी प्रश्नों को देखेंगे सभी वीडियो को देखेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी शानदार काफ़ी लाजवाब हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से आगामी नेक्स्ट दिनों, तब तक लिए आप सभी फिर से जय हिंद।